वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सीआईटीएस का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में, और जिन लोग का एडमिशन सीआईटीएस में हो गया है उनके लिए भी हम बातें करेंगे इस वीडियो में, और जिनका एडमिशन सीआईटीएस में अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके लिए भी इसमें हम बातें करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये कह दें कि जिनका एडमिशन हो गया, जिनको कॉलेज मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। काफी मेहनत से आपने एग्जाम की तैयारी किए थे और आपको कॉलेज मिल गया। हम थैंक यू अपने टीम राजन आईटीआई की जो टीम है, मैम सर, उनको ही बोलना चाहेंगे और स्टूडेंट को भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफी अच्छी मेहनत से सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासें चल रहे थे, और हमारे जो पेड क्लासे के स्टूडेंट थे उनका फर्स्ट लिस्ट में बहुत स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, और उन सभी को दोबारा हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत से, मेरा काम पढ़ाना था, हमने पढ़ाया, लेकिन काफ़ी मेहनत ने वो लोग किए, और जो कॉलेज उनको चाहिए था, नोएडा, इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर, वो सब कॉलेज उनको मिला। हम कहेंगे कि अच्छे से एडमिशन लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पे हम बातें थोड़ा सा करना चाहेंगे, जिनका कॉलेज मिल गया है सीआईटीएस में वो ध्यान देंगे, ये जो सब्जेक्ट है सीआईटीएस में जाने के बाद आपको ये सब्जेक्ट पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये जरूरी है, ये सब सब्जेक्ट आपको सीआईटीएस में चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी न्यू बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो लोग पीओटी सॉफ्ट स्किल डब्ल्यूसीएस पढ़ना चाहेंगे हमारे से, वो इस नंबर पे नाम, रेट और पीओटी लिख के भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे। अब हम बातें करते हैं कि जिनका कॉलेज नहीं मिला उनको हम कहना चाहेंगे कि अभी घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत सारी सीटें सीआईटीएस कॉलेज में खाली है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट के लिए पूरा सीटें को नहीं रखा गया था, अभी बहुत सारी सीटें हैं जो बाकी है, जो कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए रखा गया है। तो जिन लोग का फर्स्ट लिस्ट में नाम अभी नहीं आया है उन लोग का भी एडमिशन होगा, जरूर होगा, ठीक है। सेकेंड लिस्ट का वो सब इंतजार करेंगे, सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे, और फिर सेकेंड का जब कॉलेज चॉइस होगा तो कॉलेज को चॉइस करेंगे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया, थैंक यू सर, आपकी वजह से हमको कानपुर मिल गया, नोएडा मिल गया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और जो क्लासें चल रही थी पेड क्लासे एंट्रेंस एग्जाम की, उससे भी काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं उनको सेकेंड राउंड में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें, वहाँ पे जो है जा करके आप नियरेस्ट एनएसटीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो हमने आपको बता दिए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जाएं और अच्छे से आप एडमिशन लें, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद उसमें जो सब्जेक्ट चलता है वो सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें और अच्छे से उसकी तैयारी करें, क्योंकि आगे जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती आएंगे उसमें आपने देखा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और जो पीओटी सब्जेक्ट हैं ये दोनों कंबाइंड करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेन रूप से सीआईटीएस में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पीओटी में ही आपको बताया जाएगा, जानकारी मिलेगा कि आपको पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तो ये सारी जो ये सब जो सब्जेक्ट है इसकी क्लासे के लिए न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो इस पर अपना मैसेज करेंगे, जिनका एडमिशन हो गया, जिनका कॉलेज मिल गया, ठीक है, और जाए और अच्छे से आप अपना एडमिशन लें। इसमें इतना ही, थैंक यू।